एक ये क्वेश्चन किया था किसी ने कि कोई बावजू तो नहीं था लेकिन उसने हाथ धोए, हाथ धो के बाद 2 घंटे गुजर गए, हाथ खुश्क हो गए, फिर उसने एक बाल्टी में पानी था उसमें हाथ डाल दिया, तो ये पानी मुस्तमल होगा या नहीं होगा? देखें, पहले एक बात समझ लें अवामुन नास के लिए कि जब कोई इंसान पानी को इस्तेमाल करता है या तो इबादत की नियत से यानी वुज़ू करता है या गुसल करता है फ़र्ज़ कर लीजिए, तो आपके गुनाह और आपके हाथ पे एक नजासत होती है जो नज़र नहीं आती, इसीलिए बेवज़ू आदमी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, हालत जनाबत में आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आपको इसका हुक्म दिया है कि आप वुज़ू करें गुसल करें, इसका मतलब है कि बज़ाहिर पाक व साफ़ हैं लेकिन एक ऐसी नजासत है जो वुज़ू गुसल से दूर होगी, इसको नजासत हुक्मिया कहते हैं। तो जब हम वुज़ू या गुसल करते हैं तो वो नजासत धुल जाती है, और जब वो धुल जाती है उतना हिस्सा पाक हो जाएगा, ये जहन में रखिए, ठीक है। तो अब आपने अगर हाथ धो लिए इतना हिस्सा आपका पाक हो गया और इससे वो नजासत ख़त्म हो गई। अब जब तक वुज़ू टूटने वाली कोई चीज़ नहीं पाई जाएगी ये तहारत कायम रहेगी। जैसे आपने वुज़ू किया और 6 घंटे तक आप ऐसे ही बैठे रहे और वुज़ू बिल्कुल नहीं टूटा है तो 6 घंटे तक वुज़ू कायम रहेगा, गोया कि इतने हाथ का तो आपने जब धोया तो वुज़ू हो गया, ये 2 घंटे बाद भी कायम रहेगा। लिहाजा अगर आपने बाल्टी में हाथ डाल दिया तो ये पानी मुस्तमल नहीं होगा। मुस्तमल का मतलब ये होता है कि अगर आप बग़ैर धुला हाथ इसमें डाल देते तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपका हाथ अंदर गया बाहर निकालेंगे तो जो हाथ पे नजासत है वो धुल कर उस पानी में मिल जाएगी और ये पानी वुज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे।